सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा राम हो रहा है, सब काम हो। हेलो एवरीवन, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कहीं कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, काफ़ी गर्मी पड़ रही है और अभी जो है दोपहर के 2 बज रहे हैं और काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट आ रहे हैं कि आपका वीडियो जो है वो रेगुलर नहीं हो पा रहा है। मैं क्या बताऊं, और आज मुझे आप सभी एक नए लुक में देख रहे हो। बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मैंने अपने बालों में ये कट ले लिया, ये हेयर कट मैंने करवा लिया है अपने बालों के लिए। बिकॉज मेरे बाल आप सभी को पता है काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं थे तो बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं थे। आप सभी ने ठंड में देखा भी था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। आप सभी बहुत दिनों से बोल भी रहे थे कि एक हेयर कट ले लो, एक हेयर कट ले लो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं यही वाला हेयर कट लूँ, और छोटा हो गया है तो अभी आसानी होगी मुझे बालों को खोलने में भी, मतलब खोल के रखने में भी, और मतलब कोई भी कुछ भी बनाने में भी। लंबे बाल थे ना तो मुझे दो ही लुक याद आता था, या तो एक चोटी बना लो सिंपल सी, या तो फिर एक जूड़ा बना लो। बाकी खोल के रखना इस गर्मी में तो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा। तो आप सभी को मेरा ये लुक, ये हेयर कट कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है ये लुक, आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है छोटे छोटे बालों में, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बेटर फील हो रहा है। तो अब चलिए मैं आप सभी से रियलिटी भी शेयर कर देती हूँ, बिकॉज आप सभी सोच रहे होंगे इतना छोटा हो गया तो जी नहीं, मेरे बाल वही हैं, देखिए कैसे चिपक गए हैं गर्मी में। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है और मेरे बाल वही है लंबे वाले। मैंने कोई हेयर कट नहीं लिया, वो तो मैंने ऐसे ही मतलब किया हुआ था, मैंने कोई हेयर कट नहीं लिया है। तो आप सभी बताइएगा आप सभी को मेरे बालों का लुक कैसा लग रहा था, क्या मैं उतने छोटे बाल करवा लूं या फिर ऐसे ही रहने दूं। सो फैमिली, दोपहर में तकरीबन मुझे लगता है 12:30 से 1 बजे के बीच में जो है मेरा दूध वाला आ जाता है दूध लेकर। तो मैं यहाँ पर दूध ले रही थी और मैं आधा लीटर दूध लेती हूँ और तुरंत की तुरंत में पैसे भी पे कर देती हूँ। मतलब ये कहो कि मैं पैसे रोक कर रखूँ तो मुझे मतलब ना बड़ा अजीब सा लगता है। मैं अगर किसी का 1 रुपये भी मेरे ऊपर उधार रहता है ना तो मतलब ये हमेशा लग रहता है उसका 1 रुपये देना है, उसका 1 रुपये देना है। तो इसीलिए एंड यहाँ पर मैं जो है लंच कर रही हूँ, और लंच में आप सभी को बता दूँ आज मैंने बनाया आलू मटर की सब्ज़ी, एक कटोरी पूरा भर के, एक बाउल पूरा भर के लिया है मैंने, और फिर 2 रोटी और फिर खीरा यानी कि सैलेड, जो कि हमारे लिए मस्ट है गर्मियों के लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे हेल्थ के लिए भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना लंच। मैंने अपना व्लॉग भी स्टार्ट किया हुआ है, तो फिर शाम को याद आया मुझे, तो मैं यहाँ पर शाम की पूजा मैंने कर लिया है और शाम को एक दिया मैं बाहर रखती हूँ। पहले की वीडियोस में मैंने आप सभी को बताया भी है, तो शाम को एक दिया मैं जो है वो बाहर रखती हूँ ताकि लक्ष्मी माँ मेरा भी घर मतलब देखें और एंटर करें मेरे घर में भी। तो बस गांव के कुछ पुराने रिचुअल्स हैं जो मैं यहाँ भी निभाती हूँ, वो चीज़ें कोशिश करती हूँ मैं। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बाहर ही मैं ऐसे टहल टहल के हवा ले रही हूँ। हस्बैंड होते तो शायद गली में भी चली जाती थोड़ा बहुत घूमने टहलने, बट नहीं है, अभी उन्हीं का ही वेट कर रही हूँ। आप सभी देख सकते हो गेट पर।
सो फ्रेंड्स, अभी मैं बाहर आई हूँ थोड़ा हवा लेने के लिए अपने, और मेरे हस्बैंड भी नहीं आए हैं। सोच रही हूँ अभी आ जाएंगे वो भी शायद, तो हवा भी लेती रहूँगी और आ जाएंगे तो मतलब गेट भी खोलना हो जाएगा। नहीं तो फिर वो आते हैं बाइक से, नीचे उतरते हैं, फिर गेट खोलते हैं, फिर एंटर करते हैं मतलब, और जब मैं खोल देती हूँ दौड़ कर तो फिर वो बाइक से ही चले आते हैं। तो इसीलिए, और गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी, मतलब पूजा किया ना मैंने, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा फटाफट से पूजा करती हूँ, उसके बाद चलती हूँ बाहर, थोड़ी देर ऐसे ही टहलूँगी, उसके बाद फिर जो है खाना वाना भी बनाना रहेगा। सो मेरे हस्बैंड तो आए नहीं, वेट करते करते मैं चली आई अंदर, क्योंकि मुझे बनाना है आज डिनर में खिचड़ी, बिकॉज़ आज है सैटरडे और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि क्या बनाऊँ, तो उन्होंने कहा कि बस कुछ हल्का सा बना लो, खिचड़ी वगैरह, ज़्यादा कुछ खाने का ही मन नहीं कर रहा है गर्मी की वजह से। हालाँकि वो बाहर से भी कुछ नाश्ता कर लेते हैं ना, तो और भी ज़्यादा उनका खाने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो है चावल साफ़ कर ले रही हूँ, बिकॉज़ मैंने काफ़ी देर तक वेट किया बट वो नहीं आए, तो मैंने कहा चलो मैं अपना तब तक एक आधा काम ही निपटा लेती हूँ। तो मेरे चावल तो हो गए साफ़, उसके बाद फिर पीने का पानी आ गया था, तो मैंने सोचा ये भी अब इसी टाइम पर भर ही लेती हूँ, बिकॉज़ पानी तो 2 घंटे रहता भी है बट कुछ कहा नहीं जा सकता है ना, गर्मी है, पानी कब आए कब नहीं, तो इसी चक्कर में ना पानी जो है वो भरना पड़ता है। तो सब मतलब काम करते करते मेरे हस्बैंड भी आ गए, फिर दौड़ के आई मैं गेट खोलने के लिए, नहीं तो फिर ये मैंने आप सभी को बताया ना, गाड़ी से नीचे उतर कर गेट खोलते हैं, तो बस इसीलिए मैं दौड़ कर आती हूँ। अरे आपको पेंट डब्बा मारो, कद्दू तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने रख दिया है खिचड़ी के लिए दाल और पानी और हल्दी, बिकॉज़ इसमें बाद में चावल धुल के डाल दूँगी। पतली खिचड़ी बनानी है मुझे, सूखी वाली नहीं बनानी है, तो बस वही चावल साफ़ करके खिचड़ी में डाल दूँगी। और जिनको लगता है ना खिचड़ी बनाना बहुत ही ईजी वाला काम है, मतलब घर में अगर औरतों को कोई काम नहीं रहता है, खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो खिचड़ी बनाती हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि दाल चावल बना लो वो ज़्यादा बेटर है। बट अगर आप खिचड़ी बना रहे हो तो आपको इसमें टाइम टू टाइम जो है इसको चलाना पड़ता है। दाल चावल आपको करना क्या है, उसमें सीटी लगाना है बस, बट इसको टाइम टू टाइम चलाओ, देखते रहो, मोटा पतला जला भुना सब इसमें देखते रहो मतलब। तो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग खिचड़ी बनाना ही लगता है, मतलब इरिटेटिंग का मतलब है कि ऐसा गंदा नहीं लगता है, बट जब खाने वाले ये कहते हैं ना, हाँ खिचड़ी तो बनाया है, ज़्यादा कुछ तो बनाया नहीं है, और ये वो, तो ऐसा लगता है कि खिचड़ी को क्या हलवा समझ के रखा है क्या किसी ने, कि मतलब खिचड़ी बनाया और तो कुछ किया नहीं है। तो बस वही है, और खिचड़ी को मतलब पतली खिचड़ी को ढक कर नहीं बनाया जाता, मतलब सीटी लगा कर कूकर की नहीं बनाया जाता है, तो इसीलिए इसे बस ऐसे ही हल्के से ढक्कन से ढक कर के ऐसे ही बनाया जाता है, और टाइम टू टाइम इसे देखा भी जाता है, चलाया भी जाता है, नहीं तो ये मतलब जल जाए या फिर पतला हो जाए ज़्यादा ही या फिर मोटा हो जाए, इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो जब तक मेरी खिचड़ी जो है रेडी होती तब तक मैं उसके छौंक का मतलब इंतज़ाम कर लेती हूँ। छौंकन में हमें डालना है लहसुन, मिर्च और हींग और जीरा। तो यहाँ पर सरसों के तेल में इसको अच्छा सा तड़का देंगे, और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगती है। उसके बाद फिर इसके साथ सैलेड, ये सारी चीज़ें। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं रो क्यों रही थी शाम को, तो ये मेरे हस्बैंड जो हैं इनकी आदत है कि ये छोटी छोटी बात पर यार ऐसे मतलब धीरे से ही मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं, मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे लग जाती है यार। इनको लगता है ये नॉर्मली ऐसे ही धीरे से, गांव की लैंग्वेज कहते हैं ना ठोंकना, ठोंकते हैं, तो वो ठोंकना मुझे लगता है बट ये समझते नहीं हैं। बार बार मैं इनको कहती हूँ कि मत, मुझे मतलब इतने से भी लगता है, तो कहते हैं हाँ इतने से किसको लगता है, इतने से किसको लगता है। तो इसीलिए बस ना मैं एकदम ज़्यादा मतलब, इन्होंने कहा कि शाम को
आज तुम्हें भी दूध लेना होगा, बिकॉज ये इनको मैं दूध शाम को देती हूँ रेगुलर, तो ये बोले कि आज तुम्हें भी शाम को दूध लेना होगा। बट मैं दूध नहीं पीती हूँ, मैंने बार बार इनको बोल रखा है कि मैं दूध नहीं पीती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे कुछ इशू भी हो जाते हैं दूध पीने से। तो ये कह रहे हैं नहीं नहीं, उसके लिए इन्होंने मुझे मतलब अब ये कह रहे हैं मैंने धीरे से ही तो मारा है, बट इनके धीरे से भी ना मुझे ज़ोर से लगती है, बट ये समझते नहीं है और फिर मेरा रोना निकल जाता है। और ये ही नहीं कि एक आधी बार मार लें चलो ठीक है, ये मतलब तब तक मारेंगे जब तक मैं रो नहीं दूं, तब तक ये मुझे मारते ही रहेंगे। तो सोचिए आप सभी, तो ये किसके किसके हस्बैंड करते हैं मुझे आज यही जानना है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे कमेंट करें कि किसके किसके हस्बैंड जो हैं ऐसा जुल्म जो है अपनी पत्नियों पर ढाते हैं, बताइए। मतलब अब मतलब मारने और ज़ोर से मारने में और धीरे से मारने में फ़र्क ही क्या है। तो आप सभी को पता है गर्मियों का सीज़न आ गया है और मेरे ससुराल से जो है ना मेरे चाचा जी आए थे, सॉरी मैं वीडियो नहीं शेयर कर पाई क्योंकि उनके साथ कोई आया भी था तो मैं कैमरा नहीं लगा पाई, और थोड़ा मतलब चाचा और पापा से थोड़ा सा मैं ना मतलब इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ मैं, तो बस इसी वजह से। तो यहाँ पर मैंने मैंगो शेक बना दिया है उस चीज़ का, बिकॉज आम खट्टा था और खट्टा आम इन्हें पसंद नहीं आता है, तो मैंने कहा चलो मैं मैंगो शेक बना देती हूँ। तब तक मेरी खिचड़ी भी हो गई थी तैयार, मैंने इसमें डाल दिया हुआ है धनिया टमाटर और फिर लहसुन मिर्ची और मतलब जो जितना डालना था, और दाल भी देखो अच्छे से मेरी सॉफ्ट हो गई है, पता नहीं चल रहा है बहुत ज़्यादा कि दाल एकदम मतलब वैसी है, और खिचड़ी देखकर तो मुंह में फिर से पानी आ रहा होगा। आप सभी को भी आ रहा है कि नहीं? मुझे तो फिर से आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं आज फिर यही खिचड़ी ही बनाऊँ हल्का सा। तो यहाँ पर मैंने गाजर और खीरे का जो है वो सैलड बना दिया हुआ है, और खिचड़ी जो है मतलब उसमें अगर घी ना डाली जाए तो उसका स्वाद अधूरा ही लगता है, घी डाल दो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो अब डिनर करने के बाद जो है काम ना फैले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए जो है मैं बर्तन धुलने अपना मतलब कार्यभार संभालने के लिए लग गई हूँ। बज रहे हैं रात के, कितना टाइम हो रहा है? तो अभी टाइम हो रहे हैं रात के 11:30 और जस्ट अभी फ्री हुई हूँ मैं काम करके घर का, तो सोचा कि इस ब्लॉग का यहीं पर एंड कर देती हूँ। तो मिलती हूँ आप सभी से एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक करते रहिए आप सभी मेरे वीडियोस का इंतज़ार। एंड मेरे पुराने व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और नए व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही वीडियो को देखें। तो चलिए अब मैं भी चलती हूँ सोने, तो बाय बाय, टेक केयर एंड शुभ रात्रि।